हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल ड्रीम शॉट। ये जो वीडियो है जनरली ये फोटोग्राफर्स के लिए है, लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं वेडिंग फोटोग्राफी ऐसे बिजनेस बहुत अच्छा एग्जांपल बन जाता है। तो ये वाला वीडियो मैं वेडिंग फोटोग्राफी के एग्जांपल लेके ही करता हूँ। सो व्हाट इज़ दिस वीडियो अबाउट? देखो, जब भी हम लोग फोटोग्राफी सीरियसली लेते हैं और उसको एक बिजनेस बना देते हैं, एक प्रोफेशनल बना लेते हैं और उसको अपना ही एक नाम देके एक ब्रांड भी बन जाते हैं। छोटा सा ब्रांड हो सकता है, बड़ा ब्रांड हो सकता है, और यूजुअली अपने सर्विस के हिसाब से हम एक पर्टिकुलर प्राइस लगा देते हैं। वो प्राइस डिपेंड करता है आपके सर्विस के ऊपर, आप जहाँ पे रहते हैं उसके ऊपर, आपके क्लाइंट्स कैसे हैं उसके ऊपर, काफ़ी सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन एक ऐसे पॉइंट आता है जब आपको पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत होता है। मतलब 5,000 हो, 10,000 हो, कुछ भी हो, मेरे हाथ में अर्जेंटली पैसा चाहिए, ये सिचुएशन आ जाता है। अब ऑब्वियसली हमारा एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज रहता है हमारा सर्विस के लिए। सोचो आपके पास बहुत सारे असाइनमेंट्स नहीं आ रहे, लेकिन उसी टाइम पे आपको बहुत सारे पैसे की भी ज़रूरत है। इस टाइम पे आप क्या करोगे? आप क्या पैसा कम कर दोगे? पैसा कम करने पे क्लाइंट ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन जब आप कम करोगे आपके ब्रांड पे इम्पैक्ट होगा। आपका एक पर्टिकुलर क्लाइंट्स होते थे, आपका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विस होता था, सर्विस पे इम्पैक्ट होगा, सर्विस पे इम्पैक्ट होगा तो ब्रांड के ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है? पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, शायद ब्रांड पे भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, क्या हम इस तरीके से जाएंगे? या फिर कुछ भी हो, हम ब्रांड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मतलब हमारा सर्विस, हमारा प्राइसिंग, हमारा क्लाइंटेल कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपके प्राइसिंग पे, आपके सर्विसेज पे अगर कोई आना चाहता है तो वो आ सकता है। तो क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ब्रांड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तो इसको जानने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि ब्रांड क्या होता है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ, ब्रांड एक आइडेंटिटी होता है। कोई भी क्लाइंट जो आपका सर्विस ले चुका है या फिर आपके सर्विस के बारे में जो जानता है, अगर वो आपके बारे में सोचेगा तो क्या सोचेगा? ये जो लोग सोचते हैं ना, वो आपका ब्रांड आइडेंटिटी है। मतलब सोचो, अगर कोई ड्रीम शॉट के बारे में सोचता है, हो सकता है कि कुछ लोग ये सोचें कि बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे उसका सर्विस नहीं चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसे लगे तो बहुत सस्ता है। लोगों को लगता है कि ड्रीम शॉट के फोटोग्राफर्स बहुत पंक्चुअल होते हैं। आपके क्लाइंट्स को फील होता है कि ड्रीम शॉट की जो भी फोटोग्राफर्स हैं सारे लोग हंस हंस के काम करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हम जो लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं, ये एक ब्रांड आइडेंटिटी होता है। मतलब आप कैसे फ़ोन पर बात करते हो, आप कैसे ईमेल लिखते हो, आप व्हाट्सएप में कैसे चैट करते हो, आप कितना पंक्चुअल हो, आप सर्विस किस तरीके से देते हो, आपकी डिलीवरी किस तरीके से आता है, आपके एल्बम्स कैसे होते हैं, आपके फोटोग्राफर्स का बिहेवियर कैसा है, इतना सब कुछ इसमें होता है कि फोटोग्राफी का जो पार्ट है वो बहुत छोटा पड़ जाता है। जो इंडिया में टॉप फोटोग्राफर होगा और जो 100 या 200 गुड फोटोग्राफर होगा, उन दोनों के बीच में फोटोग्राफी में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन ब्रांड में बहुत डिफरेंस है। अगर कोई सेलिब्रिटी सोचता है कि हम इस फोटोग्राफर को हायर करेंगे, वो क्यों है? क्योंकि उसने अपना एक ब्रांड बनाया है। यहाँ पे फोटोज़ किसका अच्छा है ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। वो आइडेंटिटी, वो एक्सपीरियंस, हर चीज़ से एक ब्रांड डिफाइन हो जाता है। अब सोचो, मैं अपना सर्विसेज एक वेडिंग का 1.5 to 2.5 तक चार्ज करता हूँ। एग्जांपल, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, एक ऐसे टाइम आता है जब मेरे पास कोई पैसा नहीं रहता है, मुझे बहुत अर्जेंटली पैसा चाहिए होता है, तो मैं मन ही मन कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाता हूँ। तब एक क्लाइंट का कॉल आता है और उनके पास मैक्सिमम 60,000 का बजट है। तो अब मैं क्या करूँ? मुझे पैसा तो बहुत अर्जेंटली चाहिए। 5,000, 10,000 कुछ भी चलेगा, एक दिन काम करके आ जाओ, थोड़ा बहुत भी पैसा कमा लो, उस पैसे की ज़रूरत है मुझे। क्या मुझे ये 60,000 बजट वाला वेडिंग लेना चाहिए या फिर आई हैव टू स्टिक टू माई ओन रेंज ऑफ प्राइजिंग? ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, सारे फोटोग्राफर्स को आता है। अब सोचते हैं कि मैंने 60,000 वाला जो वेडिंग है वो डेस्परेशन में एक्सेप्ट कर लिया। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं अपना प्रॉफिट का रेंज 60-70-80% रखता हूँ और 60,000 में भी मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल ही जाएगा। ऑब्वियसली मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ कैसे होता है? इस बजट के लिए मुझे सारे सर्विसेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कैसे होता है, इसका डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर रेंज का फोटोग्राफर अगर बहुत कम में कर देता है, ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे हुआ है। लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा कम लेवल की सर्विस में, मान लो आपने कुछ 5-10,000 उससे कमा लिए, उस पर्टिकुलर दिन आपका काम हो गया एंड यू केम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम। अभी आपको पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम शुरू होने वाला है। वो क्या है? वो जो क्लाइंट है उसको जो भी आपने 60,000 में करके दे दिया उससे वो बहुत खुश है,
क्योंकि आपका लेवल तो 1.5 से 2.5 लाख का था, जितना भी आप अपना लेवल कम करो डिसेंट ही रहेगा। वो अपने कोई रिश्तेदार को रेफर कर देता है और बोलता है कि काफ़ी अच्छा सर्विस मिलता है सिर्फ 60,000 में। उसका जो रिलेटिव है रेफरल के थ्रू आपके पास आएगा, बोलेगा कि हमारा भी एक वेडिंग है, अब अपना कोटेशन दो। तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि रेफरल कहाँ से आया है, उसको भी पता है कि आप कितना चार्ज करते हो, क्योंकि रेफर करते वक्त आपका जो एक्स क्लाइंट है उसने इनको कह दिया है। अगर 60,000 आपने पहले वाले क्लाइंट को चार्ज किया है, इसको मैक्सिमम 70,000, 75,000, 80,000, उससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते हो। चार्ज करने के लिए आपको भी अजीब लगेगा, सुनने वाले को तो अजीब लगेगा ही लगेगा। इसको भी हाँ कर दोगे और थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आपको कोटेशन दे दोगे। ऐसे ही लोग बार बार आना शुरू करेंगे और आपका जो वेडिंग है उसका लेवल ही चेंज हो जाएगा, आपके सर्विसेज का क्वालिटी कम हो जाएगा और आपका ब्रांड वैल्यू भी कम हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? देखो, जब वेडिंग डेट्स होता है वो बहुत स्पेसिफिक डेट्स होते हैं, ऐसे नहीं कि आज नहीं तो कल मिल जाएगा। जब वेडिंग डेट होता है सारे वेडिंग्स उसी दिन होते हैं, तो कोई भी एक इंक्वायरी आता है हमें छोड़ने का मन नहीं करता बहुत आसानी से, लेकिन हमें ब्रांड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपको पैसे की अभी भी बहुत प्रॉब्लम है और आप उस वेडिंग डेट के बहुत पास है, तो हो सकता है कि आप फिर से एक बार कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अपने आप से ये बोल के कि ये एक लास्ट कॉम्प्रोमाइज़ है ओनली फॉर द मनी। लेकिन अगर आप वेडिंग डेट से दूर है, इन दैट केस अगर कोई रेफरल ऐसे आता है, आप उस रेफरल को आपका डेट बिजी है बोल के रिजेक्ट कर सकते हैं। और आपके पास तो टाइम रहेगा वेडिंग डेट तक, उस टाइम तक आप थोड़ा सा रिस्क लेके वेट करो, उस क्लाइंट का वेट करो जिस क्लाइंट का बजट आपके ब्रांड के साथ और आपके सर्विसेज के साथ मैच करता हो। इस तरीके से हम लोग बहुत इमरजेंसी के सिचुएशन में पैसे की वजह से टेम्पररीली कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर पैसे और ब्रांड को अगर हम कंपेयर करेंगे, ब्रांड वैल्यू पैसे की वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगा जो ब्रांड वैल्यू को प्रॉब्लम हो, टेम्पररीली उसको वहीं पे फिक्स कर दो और उसको आगे लेके मत जाओ। मुझे पता नहीं इस तरीके से वीडियो आते हैं कि नहीं, लेकिन जो इश्यूज़ मैंने देखा है उसको रिकवर करने के लिए टाइम लगा था। और ये जो सीक्रेट है मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इस सिचुएशन में जब फंसोगे तो जल्दी से आप उससे बाहर निकल जाओ, क्योंकि आपके पास अभी सॉल्यूशन है। कभी भी अपना ब्रांड वैल्यू कम मत करो। तो यही आपसे कहना था। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लेट मी नो बाई हिटिंग द थम्स अप। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।